अपने काम में लगी हुई हैं। और अम्मी कहती है ना अभी अच्छा भी लगी हुई है कामों पर। सबसे ज्यादा चारपाई ये मैंने इतनी लंबी लाइन डिजाइन की बनाई है, आप लोग भी कह रहे होंगे ये पता नहीं ड्रेस पे कहाँ लगनी है, काफी लंबी है, तो ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि कहाँ लगेगी। फिलहाल मैं ऐसे ही बना के जोड़ती जा रही हूँ। अभी फिलहाल मेरा ब्लॉग बनाने वाला कोई नहीं है, तो मैं एक ही हाथ से मैं दिखाती हूँ। ये इस तरह से फोल्ड किया मैंने बराबर की, मैंने सारी जो है ना कट कर ली थी जितनी मुझे ज़रूरत थी, और ये इस तरह से कपड़े मैंने सारे वॉश कर दिए हैं। मौसम तो काफ़ी ख़राब है, बादल और आंधी जो है ना बन रही है, लेकिन अल्लाह खैर करे। कपड़े मैं हमेशा शाम को ही धोती हूँ, धूप में कभी भी इनमें डालती क्योंकि रंग ख़राब हो जाता है, स्टफ़ ख़राब हो जाता है, इसलिए वॉश कर दिए इनको। अब कम्फर्टर में जो खुशबू शाइन का लिक्विड होता है उसमें अब मैंने डबो के रखे, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। शिफ्टिंग का काम थोड़ा सा आज स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा कह लें, मतलब जो एक्स्ट्रा फैन थे एक्स्ट्रा रूम्स में थे वो आज चले गए हैं, और एक रूम का रखा है, कूलर भी रखा है, और भेजने से पहले हम उसको साफ़ कर रहे हैं ताकि उस घर में जो चीज़ भी जाए बिल्कुल साफ़ सुथरी होके जाए, तो बिल्कुल साफ़ करके अच्छे से फिर हम लोग भेज रहे हैं। लगी हुई हैं कामों पर, सबसे ज़्यादा चारपाई उठाने की कोशिश कर रही हैं। आए आए, ऐसे बॉडी नहीं बनती, ऐसे बनती है, इसलिए मैं ये इतना बच्चों को होना चाहिए, मतलब काम वाला कि बंदा कर ले, दूसरों को बंदा नसीहत करे खुद ना करे, ये वो वाला काम है। ये हो तो होता ही है, ये है जी, हो गए होंगे, पूरी रात ठहर रही है। ये आशा भी की न्यू कलेक्शन है, क्लॉथ है, कलेक्शन है। अब धूप आ रही है तो मैं इनको उतार लूंगी क्योंकि इनका कलर खराब हो गया, सारे ड्राई हो गए रात ही रात। वेलकम वेलकम, और सुबह का आगाज़ हो चुका है, फ्रेश में हो गई हूँ, नाश्ता मैंने कर लिया है। तो सबसे पहले एक बात क्लियर करती जाऊँ, मेरी सब बहनों ने कल मुझे कहा, कल मेरी हालत थोड़ी सी डाउन थी, ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ी सी डाउन थी, और इतने सारे कमेंट्स हैं इतने कि हम आपकी ये हालत नहीं देख सकते, और आप ऐसे ब्लॉग्स मतलब ऐसी बातें शेयर भी नहीं करें, हम आपके ब्लॉग्स देखना चाहते हैं और आप हमारे साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स शेयर करें। तो बस ये आज से हमने ठान लिया है कि अब आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स ही शेयर करने हैं, सिर्फ जो जो बोली जाते हैं उसे बोली जाने दें, आखिर कभी ना कभी तो थक ही जाएंगे ना लोग। अब ये तो नहीं, इतने फारिग तो लोग नहीं है ना कि हमेशा हमारा ही टॉपिक लेके बैठेंगे। खैर, माइश पर ही मैंने सबसे पहले चेंज किया है और शावर लिया है, फ्रेश हुई हूँ, अब मैं हल्का सा मेकअप करूँगी। ये ना समझिएगा ये टोटली फाउंडेशन है, ये इतनी सी फाउंडेशन थी थोड़ी सी, इसमें मैंने ना इतना मॉइस्चराइजर डाला और इतना सनब्लॉक, मतलब इसमें बस थोड़ा सा टिंट है फाउंडेशन का और कुछ भी नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जब मैं ब्लश ऑन लगाती हूँ ना तो मेरी स्किन पर ना खारिश होने लग जाती है इस ब्रश की वजह से, इतनी मतलब मेरी ना सेंसिटिव स्किन है। तो मैं क्या करूँगी, एक मेरा बहुत ही पुराना तरीक़ेकार है वो ये है कि ये वाली लिपस्टिक है मेरे पास, इसको मैंने हमेशा ऐसे एक मिनट ये देखिए, इससे ना स्किन पे खारिश भी नहीं होती हल्की सी, यहाँ भी लगा लूंगी, इससे स्किन पे ना तो खारिश होगी और कुछ भी नहीं होगा और बिल्कुल नेचुरल लगेगा। ये लगाने के बाद ना ये चिपस्टिक, इसको भी इसके ऊपर से लगा लूंगी ऐसे, इससे ना फिर बड़ा नेचुरल सा शेड आएगा, नहीं लग रही है देखिए, साइड से ज्यादा हो गई थोड़ी सी है ना, नहीं नहीं हो गई है, इधर भी थोड़ी सी लगाई है, इधर भी और आईज पर भी लगाऊंगी लिपस्टिक। ये है मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक, ये मेरा कुछ स्टाइल है लिपस्टिक लगाने का।
गर्मी बड़ी है, लिपस्टिक लग गई है मेरी। ओप्स, मैंने हाथ गंदा कर दिया। रेड वाले लूंगी और इसको मैं यहाँ यहाँ ऐसे और ऐसे। That's it. Now I am ready. बाल बना लेंगे थोड़े से, बस फ्रंट वाले। अल्लाह, एक तो पसीना। रेडी मैं हो चुकी हूँ। अब मैं पहले हैंड वॉश करूंगी जो मैंने लिपस्टिक हाथों पे लगा दी है, उसके बाद ब्लॉग का करते स्टार्ट। अब पहले थोड़ा सा मैं जो है ना प्रैंक करने लगी हूँ खतीजा के साथ होती हूँ, और आज खतीजा भी हमारे साथ है, तो वेलकम करते हैं हम पागलों की सरदार का। मैं पागलों की सरदार हूँ? हाँ जी, आप तो मुझसे बड़ी हो गई फिर। नहीं नहीं, आप पागलों की सरदार, तो वेलकम हो गया पागलों की सरदार का आज हमारे व्लॉग में। और आज ये हमें बताएंगे कि पागल जो है ना कैसे बना जाता है, कैसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देगी आप लोगों को, और आप लोगों को ये शक्ल से लगी रही होगी कि ये पागल हो चुकी है पूरी की पूरी। देखें जी, अब आपको हाँ बस देखें जी, ऐसे निकम्मे बच्चे जरूर होते हैं कि अभी एक महीना पढ़ा, अभी से ये टेंशन में पागल हो रही है कि स्कूल खुलने वाले हैं। तो जी ऐसे बच्चों का अल्लाह ही हाफिज़ है, थोड़ा पढ़ भी लिया करो बेटा। मेरा क्या अभी चाहती रहता है, बस बाकी मैंने सारा कर लिया, मैथ का सबसे पहले मैंने कम्प्लीट किया। चलो जी, पागलों की सरदार कह रही है कि इसने मैथ का वर्क कम्प्लीट कर लिया, तो मान लेते हैं। और जरा जाके हुलिया भी बदल लो, मुँह हाथ धो लो, मेहरबानी कर लो थोड़ी सी, तो जाके नहाओ ना, तो गर्मी दूर होगी। जाओ वहाँ पर है वॉशरूम, वहाँ तो मैं कैसे जाऊँ? जाओ, मंगाया आपके लिए फिर एसी? यस मंगवाया, वॉशरूम में एसी लगवा देते हैं। यस, ठीक है, ठीक है जी। और दूसरा पागलों का सरदार मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए भाई साहब कोई काम भी कर लिया करो, बस सोना और टीवी और खाने के अलावा तो कोई काम ही नहीं है। आज हमारे घर बन रही है जी कढ़ाई, और वो कौन कौन बना रहा है? वो हम दो लोग मिलके बना रहे हैं, मैं तीसरा भी, ये हाँ। टमाटर मैंने ला के दिए हैं। नहीं, चार लोग बना रहे हैं। कैसे? आधा सामान है, मैंने ला के दिए। कौन सा? ये चटाई वगैरह नीचे बिछाने के लिए। एक चटाई ला के दिया ना, मैंने टमाटर ला के दिया, मैंने वो टोकरी ला के दिया, प्लेट ला के दिया, चाकू ला के दिया है। इतना बड़ा काम किया है। और अम्मी लहसुन छील रही है जी, मम्मा का लहसुन दिखाओ। ये मुश्किल काम है, मैं खुद ही करूंगी। कोई मुश्किल नहीं है, सब और मम्मा का ये तरीका है पानी में डुबो के धोने। ये ना मुश्किल है, मम्मी कह रही है सबसे मुश्किल काम दे दिया, चेक करो मम्मी। ये मुश्किल नहीं है मम्मा, ले है सही है, है सही। कहां से? अम्मी ने सिर्फ लहसुन ही तो छीलना है, बाकी सारा काम हमने करना है। सारा? हां, फिर ठीक है, हमने बना दिया ना जी। बिल्कुल, असल में आज हमारे घर मेहमान है, मतलब रोज ही होते हैं, हमारा घर बन रहा है ना, तो मेरे मामू और कजन सब इधर ही होते हैं, घर बनवाने में सब हेल्प कर रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत काम रह गया है ना, तो वो अब सारा काम वो खुद ही सारे मिलके वाइंड अप कर रहे हैं। मम्मा कहती है नेक्स्ट वीक तक हम चले जाएंगे अपने घर में, तो शाम को सारों का खाना हमें ही बनाना पड़ता है। रोज मम्मा बनाती है, मम्मा कहती है आज मुझे छुट्टी दे दो। तो मैंने सोचा चल आज मैं सालन बनाती हूँ, लेकिन सब चीजें काट के आप देंगी। अच्छा गाइस, आज आप लोग को मैं एक चीज दिखाने लगी हूँ। आप लोग को मैंने बताया था कि मेरी अम्मी जो है ना प्याजों को काट के एक ही दिन उनको फ्राई करके ब्राउन करके इस तरह देखें पैकेट बनाकर फ्रिज में रख देती हैं। ये देखें जी, बहुत ही खुशबूदार। अब जब भी ज़रूरत होती है ना, इतना सा लिया और सालन में डाला और सालन बना लिया, वो किचकिचप नहीं होती कि बैठो पहले प्याज काटो फ्राई करो बनाओ फिर ग्रेवी बनाओ। अब ये एक मिनट में उठाए घी में डाले और ग्रेवी तैयार, मतलब वो जो काम है ना आसान कर दिया। पता नहीं कितने किलो प्याज आपने बनाए थे? 5-6 किलो प्याज मैंने इस तरह करके रखे थे, इतने बच गए हैं। ऐसे प्याज काटना औरतों का काम है, उनको इससे भागना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, इसलिए कल से अम्मी खतीजा प्याज काटेंगे, ठीक है? अच्छा, भी अपने काम में लगी हुई है। और अम्मी कहती है ना, अम्मी कहती है मैं ना इतनी गर्मी लग रही है मुझे, मैं ना इम्तियाज स्टोर जा रही हूँ। इम्तियाज जा रही हूँ, असल में यहाँ पे वो है ना बहुत बड़ा ग्रोसरी मॉल है, ग्रोसरी में सब कुछ होता है, तो वहाँ बहुत सारे एसी चल रहे होते हैं। तो अम्मी कहती बस मैं तो उधर ही जाने लगी हूँ, मैंने कभी फ्री में जाके क्या करूँगी जब कुछ लेना ही नहीं है। सही बात है, अम्मा कहती है फ्रूट लेने जा रही है। इधर आप फ्रूट की शॉपिंग कर लेंगे? नहीं, वो कुछ नहीं कहते वैसे, थोड़े करो गेंद पाए वैसे मैं भूखा सा आज उधर लेके खाती रहेंगे। सही है, फिर आपका तकरीबन 1 घंटा तो गुजर ही जाएगा, 2-3 घंटे गुजरे बस, ठीक है फिर तो सही है। या फूड कोर्ट में जाके बैठ जाएंगे। सारा सामान रेडी हो गया है, अब मैं बनाने आई हूँ खाना, और मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त।
लहसुन जो है ना मैं ब्राउन नहीं करूंगी, बस हल्का हल्का सा इन्हें जो है ना प्याज में फ्राई करूंगी ताकि खुशबू आने लग जाए। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी टमाटर, गर्मी बहुत ज्यादा है इसी फटीचे से किचन में आके मैं बैठी हूँ और खाना बना रही हूँ, इसीलिए जो है ना मैंने ओवरऑल पीछे भी लुक नहीं दिखाई आप लोगों को। फिर ना कि मैं इसको बनाती हूँ, रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की है तो रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी, बस फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। और पिछले एक दो ब्लॉग छोड़ के देखिएगा, उसमें मैंने इसी चिकन की रेसिपी शेयर की है। ये मम्मा बना रही हैं दाल, और मम्मा आज आपकी बेटी गर्मी में बैठ के खाना तैयार कर रही है, क्या कहना चाहेंगी? ये देखिए ये भी सारा कुछ बना रही है आपके लिए। नहीं मम्मा मेरे पेट में दर्द नहीं, रोज चावल खानी है, वो बात अलग है कि मुझे पसंद है। रोज खानी है आज बनते ना मेरे से। अच्छा बना क्या रहे हैं हम? नहीं मम्मा आपके लिए बना रहे हैं हम। हाँ मम्मा बीमार है इसीलिए, मेरे कितना आप देखते हैं। नहीं आप बीमार है इसलिए हमने कहा हम आपके लिए दाल चावल। अम्मी जो है ना सारी दालें मिक्स कर रही है। अम्मी कौन कौन सी है? ये चने की है, चने की है, ते ए मूंग की है, ए जे मसूर दाल मसूर है ना ये। हाँ। और ये ब्लैक वाली कौन सी है? ये थोड़ी मजे की होती है, ए माँ दी। ये डालेंगे? ए माँ दी। ये भी डाल दें थोड़ी सी, ए माँ दी। अम्मी इतना भी ना बनाए कि बड़ा पतीला बन जाए हमारा दाल। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने गिले शिकवे लेके आ चुकी हूँ। आयशा की यहाँ पे किचन में खाना बना रही है, थोड़ा सा अंदर है, मैंने किसी तरह जुगाड़ लगा के कैमरा सेट कर लिया है। और इतनी गर्मी में इस लड़की ने मुझे खड़ा किया हुआ गर्मी में ब्लॉग के चक्कर में। नहीं आप मुझे चीजें भी उठा उठा के दो ना। मैं क्यों उठा के दूँ? एक तो मेरी जिम्मेदारी आपने लिया है क्योंकि आप बड़ी बहन हो, आपने लिया तो पूरी करो अब अपनी जिम्मेदारी। हेल्प कराई जाती है ना बड़ी बहन के साथ। ये देखिए गाइस मिडिल वाली को कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ मिलती मैं हूं। मिडिल वाली वो सारा दिन रेस्ट करती है पढ़ती है। अब तो ये देखिए जी माशाल्लाह कलर चेक करें, चिकन का सालन बनाने लगी हूं ना साथ साथ, तो आलू और चिकन का लग रहा है जल गया। जल नहीं गया, ब्राउन प्याज है ना उसकी खुशबू है, और ये मसाला मैं भून रही हूँ। जब ये मसाला ना पूरा गल जाएगा ना फिर इसमें मैं चिकन डालूंगी, ताकि बाद में इसकी जो है भुनाई का चक्कर ना हो, मसाला पहले ही रेडी हो। फिर ऐसे ना मोटा मोटा मसाला हो तो अच्छा नहीं लगता। दूर तक जा रही है हमारे खाने की हमेशा, क्योंकि ये जो है ना ब्राउन प्याज वाला काम, आप लोग ब्राउन प्याज करके रखे बड़ा जो है ना जबरदस्त सालन बनता। और अब तक मुझे ये भी समझ आ गया कि वो जो गर्म मसाला नहीं होता उससे ज्यादा अच्छी बनती है खुशबू। हाँ खुशबू राइस में और सालन में। अच्छा मेरी प्यारी सी बहनों, आज मैं एक जुगाड़ करने लगी हूँ, एक नई रेसिपी थोड़ी सी, मतलब आज दाल को ना मैं टेस्टी बनाने लगी। अब आप लोगों को अम्मी ने बता ही दिया होगा इसमें कितनी दालें हैं और कौन कौन सी, इसको मैं बाद में साफ करती हूँ। अच्छा कौन कौन सी दालें इसमें डाली हैं, और मैंने दो बोटियाँ जो है ना चिकन की इस तरह की छोटी छोटी करके, ये भी मैं इसी में डाल दूँगी, सिर्फ दो बोटियाँ। शायद इससे टेस्ट ज़्यादा मज़े का है, उससे ज़्यादा मज़े का आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अब इसमें मसाले डालूंगी, मसालों में मैं डालूंगी तीन चीज़ें, एक मिनट। फिलहाल इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्चें, अब पता नहीं मैं कितनी डाल रही हूँ, तेज़ी ना हो जाए क्योंकि सब ने खानी है, मम्मा की तबीयत ख़राब है, अब ये ना तेज़ हो तो फिर उनको उनसे खाई ही ना जाए। थोड़ी सी हल्दी और नमक मैं डाल दूँगी, अगर फीका हुआ तो बाद में डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और लास्ट में मैं डालने लगी हूँ टिक्का बूटी मसाला, थोड़ा सा डालूंगी, इससे जो है ना टेस्ट फ्लेवर जो है ना दाल का ज़बरदस्त आना है। ये मैंने टिक्का बोटी मसाला लिया, थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया है लेकिन मैं डाल दूंगी, इससे ना दाल का फ्लेवर ज़बरदस्त आएगा। और चार ग्लास पानी जो है ना इसमें भर के डाल के प्रेशर कुकर में रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसको लगाएंगे ज़बरदस्त तड़का। आलू चिकन के सालन की ये है फाइनल लुक, अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा टेस्टी बना है। बस थोड़ा सा इसमें शोरबा करूंगी क्योंकि रोटी के साथ लग जाए, आप लोगों को एक भी ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन नहीं होगा क्योंकि इसमें शोरबा करना है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, तो शोरबे में सारा मिक्स हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेशर कुकर से निकाल ली है मैंने दालें, और बस इसका पानी खुश करूंगी और तड़का लगाऊंगी। जो तड़का है ना वो सबसे ज़बरदस्त है। दाल वैसे हम बहुत ही कम बनाते हैं लेकिन एक आदत है मेरी और मेरी अम्मी की, लेकिन जब हमने दाल बनानी होती है ना तो बड़ी जोर शोर से बनानी होती है, मतलब ज़बरदस्त किस्म की बनानी होती है ताकि खाने में भी मज़ा आए। अब इसका पानी ड्राई कर लूँ फिर इसको हम तड़का लगाते हैं, मेन चीज़ वो है।
तड़का रेडी हो गया है। सरसरी से आप लोगों को बता देती हूँ इसमें क्या क्या डाला है। ब्राउन प्याज पहले के पड़े थे थोड़े से वो डाले हैं, लहसुन, हरी मिर्चें और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। तड़का रेडी हो गया है, अब तड़का लगाएंगे दाल को। इसको मैं साफ करके इसमें डालती हूँ और एक लेमन भी जो है ना मैं साथ ही स्क्वीज कर दूंगी, बल्कि हाफ बहुत है, ज्यादा खट्टी हो जाएगी। दाल हमारी हो गई है रेडी, जबरदस्त सी दाल। उंगलियां चाटते रह जाएं आप लोग, इंशाल्लाह इस तरीके से जरूर बनाइएगा, खाते हुए तो बड़ी मजे की लगनी है। ये हो गया है आलू गोश्त का सालन, वो जो रोटी खाएगा उसके साथ। और ये हमारे राइस, वाइट राइस रेडी हो गए हैं। खदीजा बताना आपके लिए कितने चाहिए। बस वाइट राइस साथ में जबरदस्त सी दाल, बताइएगा खदीजा। ये मिक्स दाल है, मिक्स दाल, बस बस बस। और साथ में बनाए हैं जी लेमन वाले, ये होटल में आए हुए हमें सर भी ऐसे। खाना मेरा रेडी है और अब मैं इंजॉय करूंगी। यकीन करें इतनी मज़े की ये दाल बनी है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। आप लोगों ने ऐसे ही तरीके से ट्राई करनी है और फिर मुझे लाजमी आप लोगों ने रिव्यू देना है कि कैसी बनी है, ठीक है ना। तो ये थी जी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।